गुजरात के लोगों के लिए क्या सरकार की ओर से दिया गया है? देखो, ये जो बजट हमने पेश किया है, हमारी बजट 1,01,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का बजट है। उसमें हमने 50,599 वो हमने हमारा विकास काम के लिए प्लान साइज हमने बनवाई है। और हमारा ये बजट है, वो बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये गुजरात में रहने वाला कोई भी धर्म का आदमी हो, कोई भी ज्ञाति का आदमी हो, हरेक को समकक्ष गण के उसका विकास के लिए बात की है। हमने शेड्यूल कास्ट का विकास की भी बात की है, शेड्यूल ट्राइब्स का विकास की भी बात की है, उसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास और यहाँ जो हम बक्सी पंच बोलते हैं उसके विकास की भी बात की है। हमने किसानों का विकास के लिए काफ़ी बात की है और महिला का और छोटे छोटे बच्चों को, जिसको हम बाल बोलते हैं, बाल और महिला, उसके विकास के लिए भी हमने काफ़ी अमाउंट रखी है। हमने अब ये साल हम स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती जो कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जितना ठोस राष्ट्रप्रेमी और मक्कम आदमी था ना, उसी तरह से गुजरात का एक एक बच्चा, एक एक युवान और एक एक आदमी सब हिम्मतवान बने। और हिम्मतवान तभी बन सकता है कि जो इसकी ज़रूरत है ने, वो ज़रूरत हम पहले पूर्ण करें। वो अभी अभी पहले हम उसकी जो ज़रूरियात है वो पूर्ण करेंगे। किसी को शिक्षा की ज़रूरत है वो पूर्ण करेंगे, किसी को अन्न की ज़रूरत है वो पूर्ण करेंगे, किसी को आवास की ज़रूरत है वो पूर्ण करेंगे, किसी को व्यापार और उद्योग और किसान को खेती के लिए और कामदार को रोजी की रोटी के लिए और कामदार को ये सब अन्य मेडिकल सुविधा के लिए जो भी चाहिए वो हम पहले उसको दे देंगे। और ये देकर हम गुजरात की प्रजा को, वो बिचारी है, वो गरीब है, वो लाचार है, इसी तरह से नहीं रहना चाहिए। हम स्वामी विवेकानंद जी का सिद्धांत को लेकर हमारा हर हर बच्चा, वो ठोस से हमारे यहाँ गुजरात की एक एक महिला वो हिम्मत से आगे बढ़े और हमारा एक एक पुरुष उसका पुरुषत्व अच्छी तरह से वो पेश करे, इसीलिए सब हिम्मतवान और ये बने और उसकी आर्थिक स्थिति हम सद्धर बनाए, उसी जरूरियात पूर्ण करें। फिर से मैं कहूँगा कि वनवासी विभाग के लिए हमने काफ़ी बजट रखा है, सागर विस्तार में रहने, दरियाई किनारी पर रहने वाला लोगों को भी काफ़ी हमने बजट किया है। और उसके अलावा जो गरीबी रेखा की गरीब, जो झोपड़ में रहने वाला शहरी गरीब है, उसी के लिए भी हमने काफ़ी बजट में तय किया है और किसानों को भी लिए तय किया है, महिलाओं को लिए तय किया है, बच्चों के लिए किया है, हर एक क्षेत्र के, हर एक वर्ग के सभी लोगों के लिए हमने बजट में काफ़ी रकम रखी है। राहतों का तो हमने जो जो लिस्ट रखा है वो अच्छी तरह से आप कहेंगे लंबी लिस्ट है, उसमें से हमने देखो पर्यावरण के लिए जो ई बाइक आते हैं, तो ई बाइक के लिए हमने उसमें काफ़ी रख दी है। और जो हम घर के बिजली वपराश करने वाले लोग हैं, उसी पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी उसमें भी हमने 25% वो कट ऑफ उसमें दे दिया है। और काफ़ी सामान्य लोगों को जो वो सेल टैक्स की झंझट में से मुक्त हो, छोटे छोटे व्यापारी, ऐसे ऐसे लोगों को सभी को मुक्त दी है। सर, चुनाव का साल है, सर चुनाव का साल है, काफ़ी सारी योजना घोषित की गई है, लेकिन केंद्र से जो भी पैसा आता है जो विकास के कामों को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी ये का साल है, इसीलिए मद्देनजर केंद्र से ज़्यादा पैसा आएगा गुजरात में, क्या है आपको कि? अरे देखो, गुजरात में कितना पैसा देना वो केंद्र सरकार की अलग बात है, मगर हमको जो जो पैसे देते हैं ना, उसमें से वो हर राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कस्टम आए, एक्साइज आए, इनकम टैक्स आए, सर्विस टैक्स आए, उसमें से जितनी अमाउंट मिलेगी उसका 30% वो अलग रखना और 30% में हर एक रखो वो पैसे देना, इस तरह से वो हमको पैसे देते हैं, इट इज़ अवर राइट। और दूसरी जो केंद्र की योजना है, तरह से इंदिरा आवास योजना होती है और भी योजना होती है उसे थे, और सबसे ज्यादा पैसा अकॉर्डिंग टू हरेक का जो अधिकार है
वो अधिकार के मुकाबित मिलता है और हर एक राज्य को मिलता है, उसका अमाउंट तय किया है। चलो, अरे हमारो बजेट रहा तो के हमें कोई ने पांगड़ा करवाता नहीं थे। आ बजेट छे ने ई प्रजा हिम्मत करवा वालू बजेट छे, हिम्मतवान बनावा वालू।